हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मास्टर से गुड़िया में। आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी का हलवा, जो प्रसाद में बहुत ही पसंद किया जाता है। सूजी का हलवा, कोई भी भगवान की पूजा हो या कुछ भी हो तो सूजी का हलवा याद आता है। तो देख सकते हैं कितना अच्छा दिख रहा है बनके, बहुत टेस्टी लगता है प्रसाद। तो नवरात्रि का आज लास्ट डे है, तो हमने माता रानी को भोग लगाने के लिए प्रसाद बनाया है। देख सकते हैं कितना अच्छा है, बहुत टेस्टी बनता है सूजी का हलवा, सबको ही पसंद करते हैं। तो देखिए, हमने कढ़ाई लिया है, उसमें हम 100 ग्राम तक घी डाल देंगे। घी थोड़ा ज़्यादा रहता है तो भून के बहुत अच्छी ही हलवा बनता है, खुशबू भी बहुत अच्छी आती है और टेस्टी भी बनता है। तो देख सकते हैं, हमने 100 ग्राम घी लिया है शुद्ध घी। तो माता रानी को शुद्ध घी और हलवा का प्रसाद का ही भोग लगाएंगे। तो ये देखिए, 1 बाउल हमने सूजी लिया है, इसको इसमें डाल दिए हैं। अब इसको अच्छे चलाएंगे, मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए इसको भून लेंगे ब्राउन होने तक। आपको बस यही करना है, जैसे हम कर रहे हैं वैसे आपको भी करना है। बस ऐसे इसको भूनते जाना जब तक कि ब्राउन ना हो जाए। जब ब्राउन हो जाता है तो पता चल जाता है, महकने भी लगती है सूजी हमारी, पता चल जाता है कि पक चुकी है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। तो ये देख सकते हैं ब्राउन हो रही है धीरे धीरे। ये देखिए, भून के एकदम रेडी है। तो इसमें 1/2 बाउल हम शुगर ऐड कर देंगे। तो इसको थोड़ा सा चला देंगे, थोड़ा सा वो शुगर जो है सूजी में मिक्स हो जाए, इसलिए इसको ऐसे चलाते जाएंगे। देख सकते हैं आप, एकदम अच्छे से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, भून रहे हैं बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी। प्रसाद के नाम पे तो बहुत ही अच्छी टेस्ट है हलवा बनता है। तो हमने 1.5 ग्लास पानी लिया है, तो इसको डाल देंगे इसमें। तो देख सकते हैं आप, ऐसे ही बनता है प्रसाद। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करिए और भगवान जी को भोग जरूर लगाइए। तो देख सकते हैं आप कितना अच्छा दिख रहा है, बहुत ही टेस्टी लगता है ये हलवा। ये देखिए, लगभग रेडी हो चुका है। अब इसमें हम जो आलमंड और किशमिश रखा था वो हमने डाल दिया है कट करके। थोड़ा सा फ्रूट, ड्राई फ्रूट डालने से और टेस्टी लगता है। तो इसको हमने डाल दिया इसमें, थोड़ा सा चला देंगे। आप देख सकते हैं एकदम रेडी है हलवा। बस थोड़ा सा हल्का सा इसमें जो ज़्यादा गीला लग रहा है, थोड़ा सा ड्राई हो जाए बस। ये देखिए, हमने बाउल लिया, हमारा हलवा रेडी है। हमने 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर लिया है, तो इसको इसमें ऐड कर देंगे ताकि इसकी महक और टेस्टी लगे हलवा खाने में। एकदम प्रसाद प्रसाद है ये माता रानी का। ये देख सकते हैं, अब बाउल में निकाल लेंगे, एकदम रेडी है। तो इसको बाउल में निकाल लेंगे हम सब के लिए और माता रानी को भोग लगाने के लिए। ये देखिए, अब इसमें हम थोड़ा सा गोला सूखा नारियल लिए हैं, उसको थोड़ा सा क्रश कर लिए हैं। तो इसको उसके ऊपर डाल देंगे और टेस्टी बनाने के लिए। हलवा में देखे होंगे आप कि ड्राई फ्रूट्स और ये नारियल कस करके डाला जाता है, वैसे हमने भी बनाया है, देख सकते हैं। तो हमने किशमिश लिया है और आलमंड लिया कट करके, इसको भी डाल देंगे। ये देखिए, हमारा हलवा एकदम रेडी है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर दिख रहा है, कितना अच्छा दिख रहा है। और प्रसाद जब भी मिलता है बहुत टेस्टी लगता है खाने में, चाहे माता रानी का हो या किसी भी भगवान जी का हो, या ऐसे ही खाने का मन करे कभी तो आप हलवा बना सकते हैं। कभी भी बहुत जल्दी बनता है और बच्चे बड़े जो भी हैं सबको पसंद होता है, तो जल्दी बन भी जाता है। घर में ही रहती है सूजी चीनी सब चीज़, जल्दी भी बन जाता है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए ताकि नई नई रेसिपीज़ आप तक मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।